हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दस फूट पड़े नौबत इंतजार कर रही वो लेडीज जो है सब पैसे लेना चाह रही और आप लोग उनको छोड़ना ही नहीं, उनको छोड़िए, बाहर छोड़िए, उनको बेल में छोड़िए, अकाउंट डिफ्रीज करिए, उनको मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। आपा की अमानतदारी पर हमको पूरा भरोसा है और हमें यकीन है कि हमने आपा का चेहरा देख के आपा पे भरोसा करके उनके कंपनी में पैसे लगाए, हमें पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन हमारा पैसा जरूर आएगा। आपा पहले अच्छे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपा को बाहर निकालो, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे स्कूलों के कॉलेजों के सबको पढ़ाते थे, सबको फीस देते थे, फ्री पढ़ाते थे, उनको पहले बाहर निकालो अल्लाह की मदद आना, उनके साथ जो गद्दारी कर रहे हैं अल्लाह उनको देख लो, परवरदिगार समझ रहे बहुत एक औरत है वो, समझ रहे सबके घरों को उन्हें चूल्हे जला रही बिचारी, समझ रहे उनका उनको बाहर निकालो, किस तरीके से भी उनको बाहर निकालो। गौर फिक्र करने की जरूरत है, कैसे मुसलमान हैं हम लोग, कैसे जो है हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उम्मती कहलाए जाने के हकदार होंगे। मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं, हम जो है हमारा लाय क्या कहते हैं कि हमारा कानून और सबसे ज्यादा हमारे लिए दस्तूर हमारा कुरान है। ये आपको मुल्क आपको जो है मुल्क के कवानीन और मुल्क के आयन आपको हक देता है, मैं इसको मानता हूँ कि आपको एफआईआर करने का हक देता है, लेकिन आपको कुरान क्या कहता है? कुरान आपसे मुतालबा करता है, अल्लाह के नबी की तालीम ये है कि आप जो है उन्हें मौका देना पड़ेगा, सहूलत देनी पड़ेगी, मोहलत देनी पड़ेगी। लिहाजा हम तमाम जो है हीरा मेंबरान से मैं दरख्वास्त करता हूँ और सब भाई हम मिल करके आहद करते हैं कि हम आबा को बाहर लेकर के आने तक सबर करेंगे इंशाल्लाह, और 100% उनके ऊपर उम्मीद है, भरोसा है कि वो हमारी जो है अमानत हम तक पहुँचाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है उनके साथ कि वो एक आलिमा है। अल्लाह का फरमान है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, सबसे ज्यादा अगर अल्लाह से कोई खौफ खाने वाले हैं, अल्लाह से अगर डरने वाले हैं तो वो उलमा हजरत है। बिल्कुल एक आपा जो है एक आलिमा है, अल्लाह का खौफ है। आज पुलिस की हिरासत में भी रह करके वो हमें बार बार इत्मीनान दिला रही है और पुरसकून और पुरवकार अंदाज में हमें जो है तसल्ली दे रही है कि आपकी अमानत मेरे पास महफूज, मुझे जो है यहाँ तक यहाँ से जाने का मौका दो, यहाँ से जो है मुझे बाहर होने का मौका दो। इंशाल्लाह हम अल्लाह की जात से उम्मीद करते हैं और भरोसा है कि आपा बाहर आएगी, इंशाल्लाह सबकी अमानतें वापस आएंगी और कोई एफआईआर और कोई जो है केस और किसी जो है क्या कहते हैं कि दो टक्के के लायर या कोई जो है क्या कहते हैं कि ये गली कुचे के जो है लीडरों के चक्कर में हम लोग आने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छी है, हम लोग 2008 में जो इन्वेस्ट करे हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रॉफिट आ रहा था। नोहरापा को जल्द से जल्द बाहर ला जाए ताकि हमको फिर से प्रॉफिट मतलब हमसे हमारा पैसा मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोई शिकायत नहीं है, आपा ने हमारी बहुत मदद की है। हम जो है 50,000 से इन्वेस्ट करे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 लाख रुपये है। इंशाल्लाह आपा जल्द से जैसे बाहर आएंगे हमको उम्मीद है पैसे हमारे मिल जाएंगे। So this is actually already she has been in jail since 3.5 months. So it has means she already said that she is giving the money. Once she'll come out, actually we'll give a chance to her and let's see actually for 6 months. I think she will give the amount actually. So we need to give a chance. It's compulsory because she already submitted the affidavit in the court also that she'll be paying the payments within for every quarter also. So it is the request of all the means investors, on behalf of all the investors, this is I am saying actually to all, this is my request to all the investors who have not lodged the FIR also, please don't lodge any FIR. It's not any solution for that. We need to wait and we need to support her. जी आप कब इन्वेस्टमेंट करे थे? मैं 2017 में करा था सर। जी 2017 में करे, आप मुतमईन है कंपनी से? बिल्कुल मुतमईन, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आते आते कहीं जाता है कहीं नहीं। नबी भाई मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, बेफिक्र रहिए आप सब मिल गए हम ना यहाँ पे,
आप बोले थे नबी भाई पहुंच के इतला करो, अब आ गया नबी भाई, आपके साथ हूँ मैं, बेफिक्र रहिए आप, तमाम इन्वेस्टर साथ है आपके। हम लोग क्या है 2015 से जुड़े हुए हैं, 2015 से हम लोग जो है कंपनी के साथ जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी में जब भी हम यहाँ जुड़ने वाले थे तो पूरा मुतमईन होकर यहाँ कंपनी के बारे में मालूम कर हम लोग जो है कंपनी के साथ जुड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी जो है आप अंदर जाने से पहले तक हमारा बेनिफिट टाइम टू टाइम हमको आ जा रहा था, बराबर टाइम टू टाइम मिल रहा था हमको। वो कंपनी के अकाउंट जो फ्रीज किए गए हैं उसके चलते हमारा पैसा रुक गया है। आप जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए और अकाउंट डिफ्रीज होना चाहिए ताकि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस आ जाए। कंप्लेन करना कोई सलूशन नहीं है भाई। चल मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ हैदराबाद से, ज़्यादा लंबा ना कहो जी। तो क्या है बोल तो कम्प्लीटली जो जिस नोहिरापा के जो अपन ताल्लुक से फिलहाल बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो बिजनेसेस हैं पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में है। मोइनाबाद पे जो फैक्ट्री है उनकी, फूडेक्स की फैक्ट्री, वो भी रनिंग है और हम लोग खुद ओपनिंग में जाके आए सो है। और इनकी जो है जांच में CID जो है तिरुपति की वो भी डिक्लेयर कर चुकी है कि इनके तीन बिजनेस रनिंग है, फूडेक्स, टेक्सटाइल और एक मुंबई की जो थाने हैं, थाने की रिपोर्ट से भी जो है ये मतलब पता चला है कि 35 करोड़ का भी ट्रांसैक्शन हुआ है, बिजनेस ट्रांसैक्शन हुआ है, बिजनेस भी है बोल के हैं। तो जब कोई पॉन्जी स्कीम बोलते हैं वो एक साल दो साल के लिए होती है, ये स्कीम 15 साल से चल रही है, स्कीम भी नहीं है एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिजनेस है और हलाल बिजनेस है, ये 15 साल से चल रहा है। तो हर एक को क्या बोलते सो प्रॉफिट आ रहा है, हम लोग क्या बोलते सो जस्ट एक चंद 6 महीने से जो प्रॉब्लम में आए हैं वो कुछ उससे मतलब जो फॉर्मेलिटीज थे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के जो भी है उसके तरफ से अपन प्रॉब्लम में आए थे, इंशाल्लाह ये सब हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ क्या है बोलते एफिडेविट भी डाले हुए हैं ऑलरेडी ये लोग 30 नवंबर को की कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 महीने में सबके पैसे दे देंगे बोल के। तो ये कोर्ट का कोई फैसला आने से कुछ होने से कोई मसला नहीं है, अपन क्या है फिलहाल अपन को सबर करना है इंशाल्लाह। आपा बाहर आएंगे तो पैसे देंगे, जब तक आपा अंदर रहेंगे तो पैसे किसको मिलेंगे? कोर्ट के जरिए से आज तक किसी को पैसे मिले हैं? मिले तो 10 से 15 साल लगते, जिसको भी कोर्ट से पैसे मिले उनको 10 से 15 साल का वो भी पूरे मिलने के चांसेस, वो भी पूरे मिलने के चांसेस। तो लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि आपा को जल्द से जल्द बाहर निकाले। ये कुछ नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स के तरफ से ये कर रहे हैं और लेट करा रहे, कंप्लेन करते जा रहे हैं, आपा को और अंदर रख रहे हैं और लेट होना ताकि और कंप्लेन रखना और पैसे नहीं मिल रहे। बुला रहे आइए कंप्लेन करिए, आइए बिस्मिल्लाह दावत दे रहे हैं, बकरा कटे हुआ कंप्लेन करो बोल के, ये कोई बुलाने की बात है? जब कंप्लेन करो बोल रहे एक मोमिन के लिए, एक मोमिन को तकलीफ दो बोल के बुला रहे, लानत है आप पे और आप पे अयाल पे, हम सब की बद्दुआ है आपको इंशाल्लाह, कहीं के नहीं रहेंगे आप लोग, कंप्लेन करो बोल के बुला रहे हैं आप लोग, आप लोग कंप्लेन करो बोल के बुला रहे हैं। अब ये बोलो हिदायत, ये बोलो तुम अगर अच्छे मुसलमान है, नेक माँ बाप की औलाद है तो बोलो सबर करो, सबर करो, उसको निकालने की कोशिश करो और निकाल करके पैसा देंगे दिलाना, निकाल के पैसा दिलाना, अंदर रखने से कोई हुकूमत कोई पुलिस वाले नहीं दिला दे। जब हम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में गए वहाँ पर कोर्ट में गए तो हमको बोला जा रहा है कि मेहंदी की औरत है, बोल के क्यों तुम मेहंदी से पैदा हुए सो है क्या, तुम वहाँ से पैदा हुए होंगे जो दूसरों को बोल रहे थे, जो बोल रहा सो आदमी तुमने वहाँ का ही बने हुआ है, इस तरह इल्जाम लगे जा रहे हैं, हमारे पेपरों के साथ है, हम पेपरों के साथ आए हुए हैं, अगर जो ऐसे इल्जाम लगाएंगे पूरे मिलकर कंप्लेन करेंगे अगेंस्ट उनके, FIR हम उनके अगेंस्ट करेंगे जो गैर गलत बातें करेंगे। तो शहबाज खान की इंक्वायरी होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उन्हें बुला रहा दावत दे के बुला रहा, 13 पैसा है उसमें, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, तुम्हारा कुछ इंटरफेयर है नहीं, पैसा नहीं, इंटरफेयर नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। भाई मैं जो है इन्वेस्टर हूँ, मैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करा और मेरा सर्टिफिकेट भी है और मेरे को जो है इसकी जो भारत की तरक्की है उसके ऊपर मेरे को MEDS से बोल के एलिगेशंस लगा रहा है इन्हें, तो अननेसेसरी बगैर किसी को जो है जैसे जबान को हड्डी नहीं है, जिसको बोले जो बोले बोल दे रहा है इन्हें, उसको कुछ तमीज़ तहजीब है नहीं है, जिसको बोले जो बोले वो बोल दे रहा है। मैं ME हूँ ना, DSC हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आपा के सपोर्ट में हूँ और मरते दम तक आपा के सपोर्ट में रहूँगा। क़यामत के सुबह तक
मेरे को भरोसा पैसा दूंगी तो हम खयामत के शाम तक इंतजार करेंगे। ये हमारे पेपर है, देखो जो बोले थे कि ये जो हाईवे हैं औरतें जो आए हुए हैं औरतें बोल के बता रहे थे ना कि ये लोग मेहंदी के औरतें बोल के बता रहे थे, ये है देखिए पेपर। तुमको अल्लाह की पूछो तुम्हारी आल अयाल के आगे आओ जो गैर गलत बोल रहे। आमीन। नहीं, कंप्लेन जितना करेंगे उतना डिले आप लोगों का होगा। हम लोग भाई मेजोरिटी देख लीजिए अभी क्या है, कितनी है मेजोरिटी। हम लोग जो शामिल ठहरे हुए हैं ये पूरे हमारे आपा के सपोर्ट में है और राइट साइड में जो हाँ We want justice. 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 We want just